गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू अवर सोशल लेक्चर। इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 5, द इंडियाज फिजिकल फीचर्स 2, और वी कैन से वी विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द रीजन व्हाट वी स्टार्टेड इन लेसन नंबर 4। ओके, लेसन नंबर 4 वाज इंडियाज फिजिकल फीचर्स 1, इन व्हिच वी हैव स्टडीड टू स्टडी द इंडिया Indian region, it is divided into 7. Okay, in chapter number 4, we did 2 regions, the Himalayan region and the Northern Plains. Okay, so moving further, lesson number 5, the remaining covers in this lesson number 5. So in today's lecture, we are going to do these 2 topics, 2 regions. The first one is the desert region. Okay, we will study about the region. Okay, second is the southern plateau. Okay, we will study these 2 points in our today's lecture. Students, you can see here our India is a peninsular country. Yes, here you can see ye India ka southern part hai. Kaun sa? South area. Okay, south part India ka में है, यहां पे है अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड हियर इट इज बे ऑफ बंगाल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अवर इंडिया इज कवर्ड विथ 3 साइड्स ऑफ वॉटर, सो इट इज कॉल्ड पेनिनसुला। यस, यू एग्री। Now, before starting the southern plateau, यहाँ पे coastal area होता है, ये जो part है उसको हम coastal area बोलते हैं। क्यों? Because ये coastal area यहाँ ocean के इसको किनारे को coastal area बोलते हैं। This is western side and this is east, so it is called western coastal area and this is called eastern coastal area। ये जो part है ये कोस्टल एरिया है जो कि ओशन से डायरेक्ट लैंड कनेक्ट होता है। ये कोस्टल एरिया है, ईस्ट कोस्टल एरिया, ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया। फिर उसके बाद अंदर की सेकंड लेयर आती है, यस सेकंड, दिस आर कॉल्ड, दिस आर कॉल्ड घाट। क्या है ये? घाट सर। वेस्ट साइड है तो वेस्टर्न घाट, ईस्ट साइड है तो ईस्टर्न घाट। ओके, एंड व्हाट आर दिस ऑल वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर। ओके, सो दिस मिडल पार्ट ऑफ दिस एरिया इज कॉल्ड सदर्न प्लेटो। ओके, सो लेट डिस्कस दिस ऑल इन डिटेल फ्रॉम अ बुक। ओके, लेसन नंबर 5, इंडियन फिजिकल फीचर्स 2। ओके, नाउ इंडियन फिजिकल फीचर्स 1, वी हैव डिस्कस 2 पॉइंट्स। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू विद द थर्ड टाइप, दैट इज द डेजर्ट रीजन। ओके, नाउ व्हाट इज डेजर्ट रीजन, वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, नाउ व्हाट डू वी सी इन द डेजर्ट एरिया। स्टूडेंट्स लुक एट दिस, look here the map of India that shows the desert region. Okay, you can see here the orange color. Okay, this is the desert area, this is the desert area, the Thar desert, also called the Great Indian Desert, covers most of the Rajasthan and small parts of Punjab, Gujarat, Haryana and Pakistan। ओके, बहुत ज्यादा पार्ट्स ये कवर कर रहे हैं, कौन से स्टेट्स के? पंजाब, गुजरात, हरियाणा एंड पाकिस्तान के। ओके, इट इज बाउंडेड बाय द इंडस प्लेन्स। देखो इंडस प्लेन्स यानी बाउंड्री कहां से है? इंडस प्लेन्स टू द वेस्ट एंड द सॉल्ट मार्शेस ऑफ द रन ऑफ कच्छ टू द
साउथ, साउथ में रन ऑफ खच से उसकी बॉर्डर पास हो रही है, उतना तक ये एरिया कौन सा है? यस, डेजर्ट रीजन है. ओके, एंड अरवली रेंज टू द साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट में अरवली रेंज इसका है, देखो तो ये रही. ओके, बॉर्डर्स दिखाई गई है किसकी? डेजर्ट रीजन की. ओके, एंड द प्लेन्स ऑफ द पंजाब टू द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट. पंजाब के प्लेन्स, ओके, प्लेन एरिया है पंजाब में, ठीक है, टू द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट. ओके, द थार डेजर्ट हैज हाई एंड लो लैंड्स. थार डेजर्ट में कैसा लैंड होता है? हाई एंड द लो, सैंड ड्यून्स, सैंड की ड्यून्स होती है. ओके, लो हिल्स एंड सैंडी प्लेन्स. द टेम्परेचर कैन रेंज फ्रॉम नियर फ्रीजिंग. द टेम्परेचर कैन रेंज फ्रॉम नियर फ्रीजिंग एट नाइट इन विंटर. विंटर में वहां पे बहुत टेम्परेचर कितना होता है? टू ओवर 50 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे इन द समर. विंटर में बहुत ज्यादा ठंड होती है एंड कंपेयर टू दैट समर में उससे डबल हॉटनेस होती है. आप देखो 50 डिग्री टेम्परेचर चला गया है समर डेज में. सो देयर इज वेरी लिटल रेनफॉल थार डेजर्ट में. डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट रीजन में रेनफॉल बहुत ही कम होती है. सो रेनफॉल कम होगी तो वाटर इज स्केयर, मीन्स वाटर की भी शॉर्टेज होगी. द सैंडी सॉइल सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ ओनली थ्रोनी श्रब्स. विच श्रब विल ग्रो इन द थार डेजर्ट और डेजर्ट रीजन? ओनली द थ्रोनी श्रब्स ओनली. ओके, चलो नाउ सम इम्पॉर्टेंट टाउन्स इन द थार डेजर्ट्स आर जैसलमेर, जोधपुर एंड द बीकानेर. ओके, दीज थ्री आर द इम्पॉर्टेंट टाउन्स इन द डेजर्ट रीजन. ओके, नाउ मूविंग फर्दर द नेक्स्ट इज सदर्न प्लेटो. सदर्न प्लेटो, विच एरियाज कम विद इन द सदर्न प्लेटो? नाउ सदर्न प्लेटो मीन्स सदर्न पार्ट में प्लेटो एरिया. वॉट इज प्लेटो? अ प्लेटो इज अ लैंड, फ्लैट्स, फ्लैट सर्फेस ऑफ द लैंड. ओके, वी हैव डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस लेक्चर्स. ओके, सदर्न प्लेटो कवर्स मोस्ट ऑफ द सदर्न पेनिनसुलर इंडिया. नाउ पेनिनसुलर मीन्स द इंडिया, दैट पर्टिकुलर पार्ट विच इज कवर्ड बाय द वॉटर बाय थ्री साइड्स. आप देख सकते हो सदर्न पार्ट, यहाँ पे अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल. तो ये पूरा पार्ट थ्री साइड्स ऑफ वॉटर से कवर्ड है. सच, सो इंडिया इज कॉल्ड द पेनिनसुलर. ये हमने पढ़ा है पहले के वीडियोज में. ओके, सो सदर्न प्लेन्स मोस्टली क्या कवर, कौन सी एरिया कवर करते हैं? सदर्न पार्ट के पेनिनसुलर इंडिया के. इट इज मोस्टली ट्राइंगुलर. आप देख सकते हो इसका शेप कैसा है, मोस्टली ट्राइंगुलर शेप एंड कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्मॉलर एंड लार्जर प्लेटो. और क्या है? स्मॉलर भी है एंड लार्जर, दोनों प्लेटोस कंटेन करते हैं. ये पूरा क्या है? सदर्न प्लेटो. आपको येल्लो में मार्क किया गया है. ओके, चलो नाउ द डेक्कन प्लेटो. डेक्कन प्लेटो कवर 8 स्टेट्स. हाउ मेनी स्टेट्स? प्लेटो का एग्जाम्पल है डेक्कन प्लेटो, वी हैव स्टडीड एंड डेक्कन प्लेटो कवर्स 8 स्टेट्स. इट इज लोकेटेड बिटवीन 3 माउंटेन रेंजेस. हमने माउंटेन रेंजेस भी पढ़ी है. ओके, सो दीज डेक्कन प्लेटो कवर्स 8 स्टेट्स एंड इट इज लोकेटेड बिटवीन 3 माउंटेन रेंजेस. द सतपुरा विंध्या रेंज एंड द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स. नाउ स्टूडेंट्स, इन द मैप यू कैन सी दीज आर द वेस्टर्न घाट्स. ओके, यहाँ पे ईस्टर्न घाट है, देखो ये रहा ईस्टर्न घाट्स है. ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एंड द सतपुरा विंध्या रेंजेस. ढूंढो मैप में सतपुरा विंध्यन रेंज कहाँ है. यस, मिली आपको? हियर सतपुरा विंध्या रेंज इज नॉट गिवन टू यू, बट यू कैन सी हियर द सदर्न
प्लेटो वेस्टर्न घाट्स के इस साइड एंड ईस्टर्न घाट्स के ये वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं सदर्न प्लेटो. ओके अप टू यहाँ तक ठीक है. द डेक्कन प्लेटो स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. कहाँ से स्लोप होती है? वेस्ट टू ईस्ट मीन्स ये डिरेक्शन में. ड्यू टू दिस स्लोप ऑलमोस्ट ऑल द पेनिनसुला रिवर्स फ्लो फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स अक्रॉस द डेक्कन प्लेटो इनटू द बे ऑफ बंगाल. हमने देखा डेक्कन प्लेटो जनरली वेस्टर्न वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होता है ठीक है. सो ये स्लोप है इसकी वजह से ही ये पेनिनसुला रिवर्स का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है? अरेबियन सी से मोस्टली बे ऑफ बंगाल के वे में होता है. ओके स्टूडेंट्स चलो मूविंग फर्दर. नाउ द वेस्टर्न घाट्स ब्लॉक द सदर्न साउथ वेस्ट मॉनसून फ्रॉम रीचिंग द डेक्कन प्लेटो. नाउ स्टूडेंट्स आप यहाँ पे सी द इमेज मैप. ओके आप यहाँ पे ग्रीन लाइन देख सकते हो ये है कोस्टल पार्ट यानी कि ओशन सी के पास में जो भी उसकी बाउंड्री एरिया होती है डायरेक्ट वो ओशन से कनेक्ट होती है लैंड उसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं. सो ये वेस्ट साइड है तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ओके इन दोनों के फिर आते हैं वेस्टर्न घाट्स. कोस्टल एरिया के बाद आता है घाट्स. ये वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट्स दोनों घाट्स के फिर क्या आता है? सदर्न प्लेटो. ओके प्लेटो आता है ये पूरा पार्ट जो कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बाद है वो मिडल में है वो कौन सा है? सदर्न प्लेटो. सो ईस्टर्न घाट्स क्या होता है? कोस्टल एरिया क्या करती है ये दोनों घाट्स? जब विंड ब्लो होती है मॉनसून विंड इट स्टॉप्स. ओके वो उसको ब्लॉक करती है वेस्टर्न घाट ब्लॉक करते हैं साउथ वेस्ट से मॉनसून फ्रॉम रीचिंग द डेक्कन प्लेटो. डेक्कन प्लेटो तक मॉनसून विंड्स को पहुंचने से कौन रोकता है? वेस्टर्न घाट्स. सो द रीजन गेट्स वेरी लेस रेनफॉल एंड इट इज देयरफॉर ड्राई. इसी वजह से ये रीजन में रेनफॉल बहुत ही कम होता है. ये सदर्न प्लेटो है. ओके साउथ कौन सी? साउथ वेस्ट से जो विंड ब्लो होती है वो वेस्टर्न घाट्स आगे उसको फॉरवर्ड नहीं जाने देते हैं. सो हियर सदर्न प्लेटो ऑब्जर्व्स लेस रेनफॉल कंपेयर टू दीज कोस्टल एरियाज एंड घाट्स. ओके चलो सो द रिवर दैट अराइजेस फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स लाइक वेस्टर्न घाट से जो रिवर अराइव होती है कृष्णा गोदावरी एंड कावेरी एंड दैट ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू हिज दिस रीजन. ओके दे आर द चीफ सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर द डेक्कन प्लेटो ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ फ्रॉम जून टिल अक्टूबर. मॉनसून मंथ का कब तक होता है? जून से अक्टूबर तक डेक्कन प्लेटो में. हमने मैप में देखा जो वेस्टर्न घाट्स है वो साउथ वेस्ट में जो मॉनसून विंड्स आती है उसको सदर्न प्लेटो तक पहुंचने नहीं देते. सो द रीजन इन द सदर्न प्लेटो में जो ये पार्ट है रीजन रिसीव्स लेस रेनफॉल. ओके सो लेस रेनफॉल होगी तो वहां पे वाटर कम होगा. ठीक है वाटर कम होगा तो इनको वाटर कहाँ से मिलेगा? सो वेस्टर्न घाट से जो रिवर फ्लो होती है लाइक कृष्णा गोदावरी एंड कावेरी उसके थ्रू एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू वाटर फ्लो होके ये पर्टिकुलर रीजन में डेक्कन प्लेटो में आएगी. ओके नाउ द इम्पोर्टेंट सिटीज इन पर्टिकुलर एरिया डेक्कन प्लेटो सदर्न प्लेटो में जो भी इम्पोर्टेंट सिटीज हैं दे आर पुणे हैदराबाद बेंगलोर एंड मसूरी. कौन सी है? पुणे हैदराबाद बेंगलोर एंड मसूरी. ओके सो स्टूडेंट्स आई होप नाउ दिस टू टॉपिक्स आर क्लियर टू यू.
southern plateau. It means four regions are completed, and rest of the region we will do in our next lecture.